हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है, 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 18 अप्रैल 2019 के। लास्ट वीडियो हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था, तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में एसएसएल वर्ल्ड ने अपनी तरह का पहला वर्षावन थीम वाला पार्क कहाँ लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोराई। गोराई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। एसएसएल वर्ल्ड ने हाल ही में गोराई में एक इंटरैक्टिव बर्ड पार्क लॉन्च किया और 1.4 एकड़ में फैला, कितने एकड़ में फैला है, 1.4 एकड़ में फैला अपनी तरह का पहला वर्षावन थीम वाला पार्क 60 से अधिक प्रजातियों के 500 से अधिक विदेशी पक्षियों का घर है और यह पार्क जलीय पक्षियों के लिए छोटे तालाबों से सुसज्जित है, पक्षियों द्वारा अंडे देने के लिए पेड़ों के घने आवरण हैं और पानी की धारा है जो पक्षियों को पीने का पानी प्रदान करती है। फ्रेंड्स, तो बेसिकली आपको याद रखना कि एसएसएल वर्ल्ड ने अपनी तरह का पहला वर्षावन थीम वाला पार्क कहाँ लॉन्च किया, तो गोराई में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 अप्रैल। 17 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा शुरू किया गया था, जिसने WFH के संस्थापक फ्रैंक शाबेल के जन्मदिन के सम्मान में 17 अप्रैल को समुदाय को एक साथ लाने की पहल की थी। और वर्ष 2019 के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय है पहुंच और पहचान। ये आप नोट कर लीजिए, पहुंच और पहचान, पहुंच और पहचान। एक बार और रिपीट कर देता हूं, हर वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा शुरू किया गया था, जिसने WHF के संस्थापक फ्रैंक शाबेल के जन्मदिन के सम्मान में 17 अप्रैल को समुदाय को एक साथ लाने की पहल की थी। वर्ष 2019 के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस का जो विषय है वो है पहुंच और पहचान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में MHA ने किस राज्य के एक गांव का नाम दुर्जनपुर, यहाँ दुर्जन होगा, दुर्जनपुर से बदलकर शिवधाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MHA ने मध्य प्रदेश के एक गांव का नाम दुर्जनपुर से बदलकर शिवधाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, डाक विभाग, रेल मंत्रालय से कोई आपत्ति नहीं मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। और गृह मंत्रालय ने हाल के दिनों में जिन नाम परिवर्तन प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उनमें अरिकोड को एरिकोड के रूप में और लक्ष्मणगढ़ को शशिकला के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पातालपानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। कूनो वन्य जीव अभ्यारण को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो CM है वो है कमलनाथ। और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल। इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में होम एक्सो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण इंडिया एक्सपो सेंटर ऑफ मार्ट ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया और इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स द्वारा किया गया है। यूएसए, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, यूरोप, कोलंबिया, लेबनान, यूएई, ईरान, घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 50 से अधिक देशों के खरीदार होम एक्सपो का दौरा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ इसका आंसर ग्रेटर नोएडा है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लखनऊ में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान या महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है। आगरा में भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास चीनियो मैत्री 2018 शुरू किया। शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM की आधारशिला रखी। अब फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वह लखनऊ, उत्तर प्रदेश के जो CM है वह योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वह राम नाइक। तीनों पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसको स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया का सद्भावना राजदूत नामित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिताली राज। मिताली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वह सौरभ गांगुली और राजस्थान रॉयल्स के साथ टीम का समर्थन करने में शामिल होती हैं। दो टीमों इंडिया नॉर्थ और इंडिया साउथ को सेव द चिल्ड्रन होप फाउंडेशन, मैजिक बस और करुणालय द्वारा बनाया गया है। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया का सद्भावना राजदूत नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने अपना ऐतिहासिक मुजीब नगर दिवस मनाया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में ऐतिहासिक मुजीब नगर दिवस मनाया जा रहा है और यह दिवस 1971 में मेहरपुर के बेगनाताल में बांग्लादेश की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का प्रतीक है और यह दिन पूरे बांग्लादेश में राजनीतिक दलों और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। अब फ्रेंड्स कहाँ से बांग्लादेश है तो हम बांग्लादेश के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो बांग्लादेशी टाका और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद। इतने पॉइंट आपको बांग्लादेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में क्षति और नुकसान पर एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्षति और नुकसान पर एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया था। भारत को मौसम और जलवायु से संबंधित नुकसान और क्षति का सामना करना पड़ रहा है। केरल में बाढ़ और ओखी चक्रवात दुर्लभ घटनाओं में सबसे सुलभ है। कार्यशाला में नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए प्रतिक्रिया को मजबूत करने सहित विषयों पर 2 तकनीकी सत्र थे। अब फ्रेंड्स का आंसर न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक सामरिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आर का 34वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में इंडिया डे का उद्घाटन किया गया। पुलिस आयुक्त अमूल पटनायक ने दिल्ली में प्रहरी योजना शुरू की। नई दिल्ली में DD किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सबका है सब न्यू दिल्ली में। इतने पॉइंट आपको न्यू दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में KL
ऑयल एंड गैस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स का आंसर ऑप्शन नंबर बी अजय दीक्षित, अजय दीक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केएन ऑयल एंड गैस ने अजय दीक्षित को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया और श्री अजय दीक्षित सुधीर माथुर का स्थान लेंगे जो कंपनी के साथ सात सफल वर्षों के बाद व्यक्तिगत प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पद से हट गए हैं। और अजय दीक्षित 2015 में सीमेंस से वेदांत में शामिल हुए जहां वे दक्षिण एशिया के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, नाम आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसको पुलित्जर पुरस्कार विशेष प्रशस्ति पत्र सम्मान प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एरिता फ्रैंकलिन, एरिता फ्रैंकलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरिता फ्रैंकलिन को पुलित्जर पुरस्कार विशेष प्रशस्ति पत्र सम्मान प्रदान किया गया है। 1930 में इस सम्मान की स्थापना के बाद से यह एक विशेष प्रशस्ति पत्र पाने वाली पहली व्यक्तिगत महिला बनी और एरिता फ्रैंकलिन की मृत्यु 16 अगस्त 2018 को अग्नाशय के कैंसर से डेट्रॉइट में उनके घर पर हुई थी। और रिपीट कर देता हूँ, एरिता फ्रैंकलिन को पुलित्जर पुरस्कार विशेष प्रशस्ति पत्र सम्मान प्रदान किया गया है। 1930 में इस सम्मान की स्थापना के बाद से वह एक विशेष प्रशस्ति पत्र पाने वाली पहली व्यक्तिगत महिला बनी और एरिता फ्रैंकलिन की मृत्यु 16 अगस्त 2018 को अग्नाशय के कैंसर से डेट्रॉइट में उनके घर पर हुई थी। चलिए फ्रेंड्स अब डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने गूगल के साथ अफ्रीका की पहली AI अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने के लिए सहयोग किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी घाना, घाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाना और गूगल ने अफ्रीका की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने के लिए सहयोग किया है जिससे विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इस क्षेत्र के कुछ संघर्षों की समाप्ति में मदद मिलेगी। और अफ्रीका के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग फायदेमंद हो सकता है, कभी कभी उन स्थानों की तुलना में भी अधिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और कृषि के लिए समाधान तैयार करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विशाखापट्टनम में नौसेना जेटी में आयोजित एक भव्य समारोह में किसे सेवा मुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी INS कोझिकोड़े, INS कोझिकोड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम में नौसेना जेटी में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय नौसेना पोत कोझिकोड़े को सेवा मुक्त किया गया। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कुलपति SN घोर मरे इस अवसर के मुख्य अतिथि थे। INS कोझिकोड़े को 19 दिसंबर 1988 को रीगा में कमीशन किया गया और यह संशोधित नृत्य वर्ग का छठा और अंतिम पोत था। बेसिकली ये आपको याद रखना कि विशाखापट्टनम में नौसेना जेटी में आयोजित एक भव्य समारोह में किसे सेवामुक्त किया गया? तो INS कोझिकोड़े को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो हाल ही में ग्रीनम एनर्जी ने अपना पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।